हलो नीट अने जे डबल ई यूनिट 11 एम बीजी मेथड से विद्युत क्षेत्र। हाँ विद्युत क्षेत्र की जी मेथड से यहाँ खास कर आप गोड़ीय विद्युत भारित गोड़ीय कवच और विद्युत भारित गोड़ बराबर एने लगता एम सीक्यू सोल्यूशन करवूँ। तो एवं एम सीक्यू मैं तमने आगे करवा हजी एना जो एक एम सीक्यू आप 87 87 क्रमन एम सीक्यू है। रकम शू आपेली है यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्याना अवाहक गोड़ा पर सतत विद्युत भार वितरित करेल छे। तेना केन्द्र थी 20 सेंटीमीटर दूर आवेला बिंदुए विद्युत क्षेत्र 100 वोल्ट प्रति मीटर छे अने गोड़ाना केन्द्र थी 3 सेंटीमीटर दूर आवेला बिंदुए विद्युत क्षेत्र खाली जगह हो अने जवाब 120 वोल्ट प्रति मीटर आवे। नीचे विकल्प आप पाछळ तमे जुओ तो एमां ए विकल्प आप्यो छे 125 वाळो बराबर जवाब आए सेमा बी। हमणा गणतरी करिए आपणे जो जे प्रमाणे कीधुं छे ए प्रमाणे पहेला आकृति दोरी अने समजवानो प्रयत्न करिए। शुं करवानुं कीधुं 10 सेंटीमीटर त्रिज्यानो अवाहक गोळो हालो अवाहक गोळो केटली त्रिज्या छे एनी 3 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या नो एक अवाहक गोड़ो एना ऊपर सतत विद्युत भार नो वितरण छे। आखा गोड़ा में बधाय द्रव्य होय एटले क्यू वितरण आप्यु सा कद वितरण थयु बराबर रेखीय वितरण पृष्ठ वितरण ने कद वितरण वितरण आवा प्रकार आपणे कही दस एमांथी आ वितरण छे ई कद वितरण छे। पछी कीधुं जेना केन्द्र थी 20 सेंटीमीटर दूर आवेला बिंदुए एटले 12 नो बिंदु थयो ने 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या छे तो 20 सेंटीमीटर दूर आवेला बिंदु अहीं विद्युत क्षेत्र तमने आपी दीधुं छे केटलुं छे 100 वोल्ट प्रति मीटर बराबर आटलुं विद्युत क्षेत्र। तो गोड़ाना केन्द्र थी 3 सेंटीमीटर दूर आए बिंदु क्या आवशे 3 सेंटीमीटर दूरी गोड़ा नी अंदर आवशे आ बिंदुए तमारे विद्युत क्षेत्र छे हूँ ई डेस कही दऊँ छु आ मेळवानुं छे रेडी अहीं ई संज्ञा करी एटले बदलाय ई डेस करी नाख्यो 3 सेंटीमीटर गोड़ाना केन्द्र थी 3 सेंटीमीटर दूर आवेला बिंदुए विद्युत क्षेत्र तमने मेळवानुं कीधुं तो छे सूत्र छे ज मैं बाजू में नोंध लखी देखी विद्युत भारित गोळो आ रह्यो आ 3 सेंटीमीटर अंतर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एटले अंदरनुं बिंदु छे तो अंदरना बिंदुए विद्युत क्षेत्र तमारे मेळवे तो सूत्र आ रह्यो के क्यू स्मोल आरना छेदमां आर क्यू पर आनी मददथी थई जाय तो मूकी दो वालो अहीं गणी लो नहीं थाय तो पछी विचारशुं। आ विद्युत क्षेत्र जो तो सूत्र शू है के स्मोल क्यू स्मोल आर अने आर क्यू हजी सादुरूप आपी दू के भले एम नम थी क्यू एट सिक्मा ए सॉरी क्यू ना स्वरूप में ज राखवानो मैं बधो विद्युत भारत है ना बराखा गोड़ा पर विद्युत भारत है स्मोल क्यूज भले रही एम बाकी जेटली किमत है एटली किमत हूँ मूकी दू एम हलो के एटले 9×10⁻⁹ एना पर विद्युत भार नहीं एट क्यू एम पी स्मोल आर केन्द्र थी अंतर के 3 सेंटीमीटर पची केपिटल आर एट त्रिज्या के त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 10×10⁻²⁰ अने एनी केटली घात आवशे 3 घात। हाल एनो मतलब एम कि आ विद्युत क्षेत्र मने मळे एम नथी शा माटे कारण के आ गोड़ा उपरनो विद्युत भार मने मळे छे तो विद्युत भार तमारे गणवो पड़े तो विद्युत भार मळशे के अहींथी मळी जाय बराबर अहींया सूत्र 12 नो बिंदु होय तो अहींया विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र केटलुं छे के क्यू ना छेदमां स्मोल आर स्क्वेर आलो ई एटले 100 के एटले 9×10⁻⁹
10^9 क्यू तो मारी पासे नथी अने आर एटले 20 सेंटीमीटर छे एटले 20 × 10^-2 अने नो स्क्वेर मळी जाय मारी क्यू बराबर पछी अहीं मूकवानुं रहे एवुं न करवुं होय तो डायरेक्ट गुणोत्तर लई लो बराबर तोय आलशे तो हूँ डायरेक्ट गुणोत्तर ज लउं आना छेदमां आ मूकी दउं छुं એટલે ઈ ડેસ છેદમાં શું આવશે 100 આના છેદમાં આ એટલે કેટલું થાય 9^27 × 10^-7 સોરી +7 અને ઇન્ટુ ક્યુ અને છેદમાં કેટલું આવશે 10^-1 એની 3 કરીશ એટલે 10^-3 આ છેદનો છેદ ઉપર વહી જાય છેદમાં આવશે ને બરાબર આના આના છેદમાં આ પદ આવશે છેદનો છેદ ઉપર એટલે 2નો વર્ગ થાય 4 અને 10^-1 વધશે ને અહીંયા એનો વર્ગ થાય 10^-2 અને છેદમાં કેટલું આવશે 9^10^9 × Q એટલે આ ક્યુ નીકળી જાય અને હવે ઈ ડેસ જ અજ્ઞાત રહ્યું એના સૂત્રનો કરતા બનાવશો એટલે કેટલું થઈ જાય 120 વોલ્ટ પ્રતિ મીટર આ તમારો જવાબ આવશે આટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદરના બિંદુએ હશે હવે 87મું એમસી